फ्रेशर्स वेलकम टू विशांस क्लासेस। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसका कंजर्वेशन कैसे होगा, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारी वेराइटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोस्फेयर पर प्रेजेंट है, वो सारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। उसका कंजर्वेशन करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, क्यों कंजर्वेशन ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। और इसमें कुछ कुछ डेटा हमें याद रख लेना, जैसे क्या क्या डेटा याद रखना है। तो यहाँ पे अंट स्पीसीज जो दे रखी है वो कितनी है, 20,000 अंट स्पीसीज है, और 3 लाख से ज्यादा बीटल्स की स्पीसीज है, 28,000 से ज्यादा फिशेज की स्पीसीज है, और नियरली 20,000 स्पीसीज ऑर्किड की है। तो ये डेटा याद रखना है, अंट की स्पीसीज 20,000 है, ऑर्किड की भी 20,000 है, फिशेज की 28,000 है, जबकि बीटल्स की 3 लाख है। नेक्स्ट क्या है इसमें, अब बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इन आवर बायोस्फीयर, इमेंस डाइवर्सिटी और हेटरोजेनिटी। इमेंस डाइवर्सिटी या हेटरोजेनिटी, हेटरोजेनिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिली। डाइवर्सिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कई सारी वेराइटीज देखने को मिल सकती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया था वहाँ पे स्पीसीज ए भी रहती है, स्पीसीज बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो इस तरह से अलग अलग वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी। हेटरोजेनिसिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल बट एट ऑल लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम द मैक्रो मॉलिक्यूल विद इन द सेल टू बायोम। अगर हम सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं कई सारे। अब सेल के अंदर जो कई सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, उसके बेसिस पे भी और बायोम के बेसिस पे भी सभी में जो है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, तो वो डायवर्सिटी कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी इस टर्म पब्लिश पॉपुलराइज बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट। अब सोशियो बायोलॉजिस्ट कौन है, एडवर्ड विल्सन। एक्चुअल में जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो बायोडाइवर्सिटी टर्म भी एडवर्ड विल्सन के द्वारा ही दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम कौन कौन से टाइप की बात करते हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की। अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की कहें तो एक बात करें तो एक सिंगल स्पीसीज में जेनेटिक लेवल पे बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक ही स्पीसीज में जेनेटिक लेवल पे बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट। एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, एक मेडिसिनल प्लांट दिया है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। अभी जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया है ये हिमालयन रेंज में देखने को मिलता है, और इसकी पोटेंसी पे और कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल, इसकी पोटेंसी पे और इसकी एक्टिव केमिकल की कंसंट्रेशन, एक केमिकल कौन सा, रेजरपाइन, तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये अलग अलग वेराइटीज बनाने के लिए। मतलब इनकी इसकी कंसंट्रेशन और पोटेंसी के बेसिस पे डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है। अभी रेजरपाइन जो है, ये रेजरपाइन एक मेडिसिनल प्लांट से रिलीज हुआ है। मेडिसिनल प्लांट कौन सा, रवोल्फिया वोमिटोरिया। ये रेजरपाइन जो केमिकल है इसका यूज ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में होता है, बीपी मेंटेनेंस, मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ये रेजरपाइन। दैट द प्लांट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन इंडिया मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। भारत में 50,000 से ज़्यादा राइस की स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, और 1,000 से ज़्यादा मैंगो की वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीसीज विद इन अ रीजन। इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीसीज विद इन अ रीजन, एक रीजन में कितनी स्पीसीज देखने को मिल रही है वो एक स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलती है। एक ही रीजन में कितनी स्पीसीज मिल रही है वो उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल
फॉर एग्जाम्पल ये स्टार मार्क करके रख लेना, याद रखना है, वेस्टर्न घाट हैव द ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। मतलब कि एम्फीबिया की स्पीसीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तो ये हमें याद रखना है। और क्या याद रखना है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी को अगर थोड़ा सा डिटेल करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में और क्या क्या मिलेगा? स्पीसीज डाइवर्सिटी इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस, प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। तो स्पीसीज रिचनेस या स्पीसीज इवननेस का प्रोडक्ट हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। अब स्पीसीज रिचनेस क्या है? अगर हम स्पीसीज रिचनेस को समझें तो नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट विद इन यूनिट एरिया, नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। तो स्पीसीज रिचनेस क्या था? स्पीसीज रिचनेस होता है नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। अब बात आती है स्पीसीज इवननेस की। स्पीसीज इवननेस, अभी स्पीसीज इवननेस क्या है कि पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में जितने नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेंगी, जितने नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेंगी उन सभी के मेंबर कितने इक्वल होंगे, या फिर सिंपल शब्दों में कहें इवननेस और इक्वलिटी या इक्विटी, इक्वेटेबिलिटी, इक्वेटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इक्वेटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब अगर मैं ऐसा कहता हूं कि यहाँ पे एक और ये दो, ये दो एरिया है, मान लो यहाँ पे मैंने कहा ए के 3, बी के 4, फिर सी का 1, डी के 2, ई के 3, एफ के 4। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए किसका है, 3 इसके हैं, मान लो एक इसका है, 4 इसके हैं, एक इसका है, 2 इसके हैं, इसको भी 4 3। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको मैं अगर ए बोलता हूँ और इसको मैं बी बोलता हूँ, तो यहाँ पे जो ए डायग्राम दिख रहा है उसमें मुझे नंबर ऑफ मेंबर्स पर स्पीसीज, नंबर ऑफ मेंबर पर स्पीसीज लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इवननेस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स डिफरेंट है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे रिचनेस ज़्यादा है। स्पीसीज इवननेस ए में ज़्यादा है, स्पीसीज रिचनेस
बी में ज्यादा है, तो ये हमें याद रखना है। स्पीसीज रिचनेस क्या है और स्पीसीज इवननेस क्या है वो हमें समझ आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? एट इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट रेन फॉरेस्ट मैनग्रोव कोरल रीफ्स वेटलैंड एस्टुरीज एंड अल्पाइन मेडोज। यहाँ पे ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन सैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे। तो यहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिंपल शब्दों में कहें तो जो इकोसिस्टम होते हैं उनके बेसिस पे जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं और क्या मिलेगा इसमें। टेस्ट टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन। ये जो डाइवर्सिटी आ रही है इस डाइवर्सिटी को बनाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं एवोल्यूशन में टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, क्योंकि ये सभी इवोल्यूशन के द्वारा ही बने। जैसा कि हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पॉरीफेर आए, फिर सीलेंटेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटिहेलमिंथीज एस्क्लेमिंथीज एनिलीडा ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा फिर कॉर्डेटा। तो ये जो पूरा सिक्वेंस है इसमें कई हजार वर्षों का समय लगा होगा इस इवोल्यूशन में, कई हजारों लाखों वर्षों का समय लगा होगा जब ये स्पीसीज रिचनेस आई होगी। नेक्स्ट क्या है, बट वी कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरीज। और हमने 2 सेंचुरी से कम में ही बहुत सारी स्पीसीज खो दी है। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी फॉर अवर सर्वाइवल एंड वेल बींग ऑन दिस प्लेनेट। जिस रेट से अभी स्पीसीज लॉस हो रही है अगर यही चलता रहा तो ये बहुत क्रिटिकल और वाइटल सिचुएशन बनने वाली है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, किसके लिए, अपने जीने के लिए। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन में क्या होता है कि कई सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बेसिकली हम कहें तो जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होती है वो ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। अर्थ पे कितनी है और इंडिया में कितनी है तो वो समझते हैं। जैसे अब तक अगर इसका थोड़ा सा डेटा देखें अब तक जो स्पीसीज है रजिस्टर्ड स्पीसीज है तो 1.7 to 1.8 million स्पीसीज है। जिनमें से 0.5 million प्लांट्स हैं और 1.2 million एनिमल्स हैं। 0.5 million प्लांट्स हैं, 1.2 million एनिमल्स हैं। अगर इन एनिमल्स में ही बात करें तो 70% तो इंसेक्ट हैं और बाकी बचे 30% में अदर एनिमल्स हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो जो इंसेक्ट होते हैं वो ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। जब इंसेक्ट ऑर्थ्रोपोडा में आएंगे तो लार्जेस्ट फाइलम भी कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम कौन है, ऑर्थ्रोपोडा, ये हमें याद रखना है। तो अब ये हुआ डेटा। दूसरा डेटा क्या है, जो एस्टिमेटेड डेटा था वो 20 से 50 मिलियन होने का एस्टिमेटेड डेटा है, लेकिन अभी तक
रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो डेटा आया है, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीसीज होने की संभावना है, 7 मिलियन स्पीसीज एस्टिमेटेड है। किसके अकॉर्डिंग है? रॉबर्ट मे। तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीसीज होने की संभावना है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, और क्या होगा इसमें? आईयूसीएन हम सभी जानते हैं, आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब आईयूसीएन द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज डिस्क्राइब्ड फॉर इज स्लाइडली मोर देन 1.5 मिलियन, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मैनी स्पीसीज येट टू डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। मतलब कि बहुत सारी स्पीसीज तो ऐसी हैं जो डिस्कवरी के इंतजार में है, मतलब कि उनकी अभी डिस्कवरी तक नहीं हुई है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मैनी देम आर ओनली एजुकेटेड गैसेज। फॉर मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन द टेम्परेट देन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। टेम्परेट में ज़्यादा कंप्लीट हो गए क्योंकि और जबकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में कम कंप्लीट हुई है अभी तक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस ऑफ एक्स एक्सहॉल्टिवली स्टडाइड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट एंड एक्स्ट्रा पोलेट दिस रेशो टू अदर ग्रुप्स। 20 से 25 मिलियन है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि 70% इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर 10 एनिमल्स है तो 10 में से 7 इंसेक्ट होंगे और बाकी 3 अदर एनिमल्स होंगे। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म कंप्राइजेस नो मोर देन 22% ऑफ टोटल। पूरे का 22% से भी कम ब्रायोफाइट जिम्नो एनजियो एल्गी और फंजाई मिला के आते हैं। अगर हम इन सबको देखेंगे तो इन सब में से जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं, उससे कम मोलस्का, उससे कम क्रस्टेशियन और फिर बाकी सारे मिला के अदर एनिमल्स इसमें आ जाएंगे। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फिशेज हैं, उन फिशेज के बाद यहाँ पे आ जाएंगे बर्ड्स, फिशेज के बाद कौन है? बर्ड्स हैं, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स हैं, फिशेज बर्ड्स रेप्टाइल्स, फिर आ जाएंगे एम्फीबिया और फिर आ जाएंगे मैमल्स। तो ये सिक्वेंस याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें कौन मिलेगा? एंजियोस्पर्म, फिर फंजाई और फिर एल्गी, फिर मॉसेस, फर्न एंड एलाइसिस और फिर लाइकेंस। ये तीनों डायग्राम हमें याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, इट शुड बी नोटेड दीज, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? अब इंडिया में कितने परसेंट लैंड एरिया है? तो इंडिया में अगर देखें तो लैंड एरिया का परसेंटेज होता है 2.4%। तो लैंड एरिया कितना? 2.4% है पूरे वर्ल्ड एरिया का। अब अगर डाइवर्सिटी के बेसिस पे देखें तो 8.1% डाइवर्सिटी है, मतलब पूरे लैंड एरिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, जबकि यहाँ पे स्पीसीज का जो कंट्रीब्यूशन है 8.1% है। मतलब लैंड एरिया के कंपेयर में यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्री में शामिल किया जाता है। इसको 12 मेजर डाइवर्सिटी जो कंट्रीज हैं उसमें शामिल करते हैं। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट और ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। 45,000 तो प्लांट्स और उससे भी ज़्यादा दोगुने लगभग एनिमल्स इंडिया से रिकॉर्ड किए गए।
ठीक है, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग अब तक सिर्फ 22% स्पीसीज ही रिकॉर्ड की गई हैं, बाकी सारी तो अभी देखी भी नहीं गई, मतलब डिस्कवर्ड भी नहीं हुई है। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया डाइवर्सिटीज फिगर, वी एस्टिमेट दैट देर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज, मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। मतलब 1 लाख से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पीसीज अभी भी डिस्क्राइब होने के इंतज़ार में, हम कह सकते हैं कि अभी तक ये डिस्क्राइब भी नहीं हुई है या डिस्कवर्ड भी नहीं हुई है। वुड वी एवर एबल टू कम्प्लीट इन्वेंट्री बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर कंट्री, तो बिल्कुल ये सब हो सकता है कंसीडर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ट्रेंड मैन पावर चाहिए, मैन पावर क्या टेक्सोनोमिस्ट चाहिए, और बहुत सारा टाइम चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। मैन पावर चाहिए और बहुत सारा टाइम चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर कैटलॉग्ड द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक्ड देयर। मतलब नेचर में ऐसी बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है जिसमें आग लग चुकी है और उसके टाइटल जो बुक्स हैं उसमें उसके टाइटल तक नहीं पढ़े गए हैं। तो ये उन स्पीशीज की बात कर रहा है जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं और वो डिस्कवर भी नहीं हुई आज तक। अब यहाँ पे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी आता है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमें याद रखना है कि किस तरह से डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो अगर हम यहाँ पे अर्थ को ऑब्जर्व करें, अगर हम यहाँ पे अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा कि जितना हम एक्वेटर की तरफ रहेंगे, जितना हम एक्वेटर की तरफ रहेंगे उतना स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। जितना हम एक्वेटर की तरफ रहेंगे उतना स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। जितना हम लेटिट्यूड की तरफ जाएंगे, मतलब पोल्स की तरफ जाएंगे, लैटिट्यूड की तरफ मतलब पोल्स की तरफ जाएंगे तो उतनी ही डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी, मतलब स्पीसीज रिचनेस कम होती चली जाएगी। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वेटर पे सनलाइट ज़्यादा आती है, एक्वेटर पे सनलाइट ज़्यादा आती है मतलब कि एनर्जी सोर्स अच्छा खासा है और एनर्जी बहुत अच्छी अमाउंट में आती है, जिस कारण से जहाँ ज़्यादा एनर्जी होती है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं और वहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो और क्या होगा इसमें, यही है कि जितना एक्वेटर से दूर की तरफ जाएंगे मतलब लेटीट्यूड की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी रिचनेस कम होती चली जाती है, फिर हम कहें स्पीसीज रिचनेस कम होती चली जाती है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कहीं पे ज्यादा हो सकती है कहीं पे कम हो सकती है, तो इसको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फॉर मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑन डाइवर्सिटी। ये पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पे, वेल नोन बिंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड डाइवर्सिटी। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है, इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। एक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी घटती चली जाती है। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉफिक्स, ट्रॉफिक्स क्या है, लेटीट्यूडल रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। मतलब यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाओ, 23.5 डिग्री साउथ में अगर जाते हैं तो हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। कोलम्बिया लोकेटेड नियर द एक्वेटर, कोलम्बिया जो है एक्वेटर के पास में है तो वहाँ पे 1400 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ में है तो वहाँ पे 105 स्पीसीज हैं। ग्रीनलैंड 71 डिग्री पे है तो वहाँ पे 56 स्पीसीज हैं। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कहने का मतलब है यहाँ पे बर्ड की स्पीसीज के बारे में बताया गया है जैसे कि कोलंबिया है, वो कोलंबिया इक्वेटर के पास में है तो 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की।
न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ पे है, मतलब कि न्यूयॉर्क और ज़्यादा इधर चला गया। जैसे मैं ये इक्वेटर बोलता हूँ, तो यहाँ से कोलंबिया मान लेते हैं यहाँ पे है, और उसके बाद हम बात कर, ये कोलंबिया हो गया मान लिया, उसके बाद कौन है, कोलंबिया में 1400 स्पीसीज थी, न्यूयॉर्क 41 डिग्री पे है, मतलब न्यूयॉर्क यहाँ पहुँच गया, यहाँ न्यूयॉर्क आ गया। इसमें 105 स्पीसीज रह गई, ग्रीनलैंड 71 डिग्री पे है, 71 डिग्री यहाँ पे लगभग आ जाएगा, तो ग्रीनलैंड आ गया 71 डिग्री पे, तो यहाँ पे 56 स्पीसीज रह गई। फिर गया इंडिया, मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स हैज़ मोर देन 1200 बर्ड स्पीसीज। तो इंडिया जो है इक्वेटर के आसपास ही है, तो वहाँ पे 1200 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। अ फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर इक्वाडोर हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मैनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। अगर हम आगे बात करते हैं, इन ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ साउथ अमेरिका ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो साउथ अमेरिका में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि 40,000 स्पीसीज प्लांट की, 3,000 फिशेज, 1,300 बर्ड्स, 427 ममेल्स, 427 एम्फीबियन, 378 रेप्टाइल्स और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम साइंटिस्ट के एस्टीमेट की बात करें, तो साइंटिस्ट एस्टीमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज वेट कर रही हैं डिस्कवर होने के लिए, कहाँ पे, रेन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे ये पता चला हमें। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्पीशिएशन। तो स्पीशिएशन क्या होता है, स्पीशिएशन का मतलब होता है कि समय के साथ एक स्पीशीज से, समय के साथ एक स्पीशीज से कोई नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन बोलते हैं। एक स्पीशीज से कोई नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है समय के साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्पीशिएशन। यहाँ पे क्या है, स्पीशिएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेचर टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट ग्लेशियंस इन द पास्ट, ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड हैव रिमेंड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर एंड दस हैड ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर द स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। अब क्या हुआ, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है। अगर हम ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल जाएगा, अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सेशनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। सच कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट, अब जहाँ पे एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट होगा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे प्रेडिक्शन इजीली लगाया जा सकता है। सच कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट्स प्रमोट निस स्पेशलाइजेशन, निस स्पेशलाइजेशन होगा लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब निस स्पेशलाइजेशन होगा तो मतलब क्या है कि हर कोई अपना फंक्शनल जो है अलग अलग डाइवर्सिटी शो करता है, फंक्शनल डाइवर्सिटी अलग अलग शो करेगा, उसको हम स्पीसीज वो सॉरी निस स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देर आर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस कारण से वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी होती है, और हायर प्रोडक्टिविटी होने के कारण यहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो क्योंकि यहाँ पे फिर से देखें, तो यहाँ पे ट्रॉपिक्स पे सोलर एनर्जी अवेलेबल ज़्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पे हायर एनर्जी होने के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं पूरा एक एरिया है, फील्ड है, और इस फील्ड में हमने एक स्क्वायर बना के फेंका। अब यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, जब हमने एक स्क्वायर बना के फेंका ये छोटा सा, तो यहाँ पे मान लो दो स्पीसीज आई इसके अंदर, और मैंने फिर एक बड़ा स्क्वायर बना के फेंका,
तो मान लेते हैं उसमें चार स्पीसीज हैं, मैंने और बड़ा स्क्वायर बना के फेंका, मान लो इसमें 10 स्पीसीज हैं, मैंने और बड़ा स्क्वायर बना के फेंका, मान लो इसमें 12 स्पीसीज हैं, इससे भी बड़ा बनाऊंगा तो मान लेते हैं इसमें 14 स्पीसीज हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले जब एरिया बढ़ा रहा था मैं स्क्वायर का, तो नंबर ऑफ स्पीसीज एक साथ बढ़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज एक साथ नहीं बढ़ रही है। तो इसमें सीधा सा कहने का मतलब ये है कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती हैं, लेकिन एक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगी नहीं उस पर्टिकुलर एरिया में। कारण क्या है कि उस जगह पे जो स्पीसीज हैं वो लिमिटेड हैं, मान लो 10 स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, मैं अगर छोटा स्क्वायर डाल रहा हूँ हो सकता है उसमें एक स्पीसीज आए, थोड़ा बड़ा डालूँ तो हो सकता है उसमें 4 स्पीसीज आए, थोड़ा और बड़ा डालूँ तो उसमें हो सकता है 9 स्पीसीज आए, थोड़ा और बड़ा डालूँ तो 10 स्पीसीज आए, 10 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते क्योंकि उस एरिया में ही नहीं है। तो ये एक लिमिट तक काम करता है कि इस एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज बढ़ जाती है, तो ये एक लिमिट तक काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करता है, मतलब कि उसके बाद उस पर्टिकुलर रेंज में अलग अलग वेराइटीज देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं स्पीसीज रिलेशनशिप में आगे। तो ये जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को जरा समझना है। इस ग्राफ को अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ड्यूरिंग हिज पायनियर एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हेम्बल्ट, कौन कौन, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ग्रेट जियोग्राफिकल अलेक्जेंडर वॉन हेम्बल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन ऑफ स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज द एक्सप्लोर्ड एरिया। स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है अगर हम एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हैं, बट ओनली अप टू अ लिमिट। मतलब हमने पहले छोटा स्क्वायर डाला, फिर बड़ा डाला, फिर उससे बड़ा डाला, इस नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगे लेकिन एक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद फिर नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ना बंद हो जाएंगे। तो वो स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर वाइल्ड वेराइटी ऑफ टेक्सा, जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, बैट्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज, टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो दिखाई दे रहा है ग्राफ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यहाँ पे क्या होगा, एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। तो यहाँ पे एस क्या है, एस जो है स्पीसीज रिचनेस है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। मतलब कहने का क्या है, ये वाई एक्सेस जो है इसको ये स्लोप कहाँ से काट रहा है वो सी रिप्रेजेंट करता है। अब ये लॉग स्केल में क्यों रखा, जब हम इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इक्वेशन को देखते हैं तो इसकी पावर में जेड है, तो इसकी पावर में जब जेड है तो जेड वेरी कर सकता है 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और जैसे जैसे वेरी करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, तो ये जो स्लोप है ये स्टीपर होता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे जेड की जगह पे इनफाइनाइट रख देते हैं तो ये जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो अब इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको लॉग लॉग स्केल में कन्वर्ट कर दिया। लॉग लॉग स्केल में कन्वर्ट करने के बाद एस का लॉग लेने पर लॉग एस आ जाएगा, सी का लॉग लेने पर लॉग सी आ जाएगा, और ये जो पावर होती है ये सामने आ जाती है तो जेड लॉग ए बन जाएगा। अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये जो है ये सी को रिप्रेजेंट करता है, ये एम को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो अब वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन है इसमें स्ट्रेट लाइन स्लोप आता है, तो स्ट्रेट लाइन स्लोप ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमने ग्राफ समझ लिया, ये यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ जेड लाइन इन रेंज 0.1 to 0.2, तो जेड की जो रेंज है 0.1 से लेके 0.2 तक रहेगी,
रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, और द बर्ड इन कैलिफोर्निया और मोलस्का इन न्यूयॉर्क स्टेट। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। जो स्लोप लाइन है वो रिग्रेशन वाली, वो लगभग सेम रहेगी अगर हम, बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग द वेरी लार्ज एरियाज लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट्स। अगर हम एंटायर कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड दैट द स्लोप लाइन मस्ट स्टीपर। स्लोप लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्टीपर होती चली जाएगी। और स्लोप लाइन जब स्टीपर होती चली जाएगी तो क्यों स्टीपर होती जा रही है, कि जैसे जैसे हम कह सकते हैं जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे स्पीसीज का नंबर मिलना कम होता चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एरिया बढ़ाने पे जो स्पीसीज रिचनेस हमें ज़्यादा बढ़ती दिख रही थी, एक लिमिट तक बढ़ेगी। ज़्यादा बढ़ाएंगे एरिया को तो वहाँ पे लगभग कॉन्स्टेंट स्पीसीज मिलना शुरू हो जाती हैं, कि वही वही स्पीसीज मिलती रहेंगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टीपर होती चली जाएगी। जेड क्या था, जो रेग्रेशन कॉफिशियंट है, तो स्टीपर होती चली जाएगी। तो 0.6 से 1.2, फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मेमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। अगर क्या होगा, व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट। तो स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है, देखो हमें डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है कि लार्जर द एक्सप्लोर्ड एरिया, लार्जर द एक्सप्लोर्ड एक्सप्लोर्ड एरिया डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टीपर द स्लोप। मतलब जितना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्लोप स्टीप होता चला जाएगा, स्टीपर होता चला जाएगा। तो ये हमें समझ आया। अब आगे क्या नेक्स्ट इसमें है, कि डज द नंबर ऑफ स्पीसीज कम्युनिटी रिले रिले मैटर रियली मैटर टू फंक्शनिंग द इकोसिस्टम। तो हाँ, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है कम्युनिटी के फंक्शनिंग पे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। कैसे इम्पैक्ट डालती है वो समझना है आपको। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें और याद रखना है, क्या रिलेशन होगा वो, स्पीसीज रिचनेस अगर बढ़ेगी, स्पीसीज रिचनेस अगर बढ़ेगी तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी भी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी भी बढ़ जाएगी, या फिर कम्युनिटी का या फिर हम इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पीसी रिचनेस होगी उतना ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम रहेगा। तो ये हमें याद रखना है। और क्या, और इसके बाद क्या है, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। जो स्टेबल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करता। स्टेबल कम्युनिटी डो नॉट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। साल दर साल उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एकदम स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रिसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, नेचुरल भी हो सकता है मैन मेड भी हो सकता है। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज। कहने का मतलब है कि जहाँ पे स्पीसी रिचनेस ज़्यादा होती है, जहाँ पे स्पीसी रिचनेस ज़्यादा होती है तो वो रेजिस्टेंट और रिसाइलेंट होता है, किसके लिए, ओकेजनल डिस्टरबेंसेस के लिए। ओकेजनल डिस्टरबेंस नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, जैसे कहीं प्राकृतिक आपदा वगैरह जैसी चीज़ें जो आती हैं वहाँ पे
वो हो जाए, या फिर कुछ मेन मेड कुछ डिस्टरबेंस हो, तो उसके चलते वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, वो रेजिस्टेंट होते हैं। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट फॉर इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज। कोई एलियन स्पीसीज वहाँ पे आके अपना आधिपत्य नहीं जमा सकती है, तो वो स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे ये डेविड टिलमैन, अभी डेविड टिलमैन ने भी यही कहा था। क्या कहा था डेविड टिलमैन ने? वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी, बट डेविड टेलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। तो डेविड टेलमैन के एक्सपेरिमेंट का नाम जरूर याद रखना, क्या? लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। किसके थे? डेविड टेलमैन के थे। अब लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। क्या क्या आंसर मिले इसको? प्लॉट विद मोर स्पीसीज, प्लॉट विद मोर स्पीसीज शोज द लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन टोटल बायोमास। जिसमें ज़्यादा स्पीसीज थी उस प्लॉट में बायोमास में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिल रहा था। ही ऑल्सो शोड दैट एक्सपेरिमेंट इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी। जिसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा थी उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रही थी। अब आगे क्या आता है? आगे आता है फिर, ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट्स टू वेल बींग ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज रिचनेस किस तरह से इफेक्ट करती है? तो सबसे पहले तो हम बेसिक बेसिक अगर देखें, तो यहाँ पे जो ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी तो वहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छी होगी, मतलब कि, और डाइवर्सिटी अगर अच्छी होगी तो कई सारी फूड चैन फूड वेव बन सकती है एक्चुअल में। और फूड वेव जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, वी नो एनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्प्रिवेटिव फॉर वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट। तो ये इकोसिस्टम के लिए तो स्पीसीज डाइवर्सिटी अच्छी है ही, साथ में ह्यूमन रेस के भी लिए भी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो एक अच्छी चीज़ है। एट ए टाइम व्हेन वी आर लॉसिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस। अलार्मिंग पेस का मतलब है बहुत तेजी के साथ स्पीसीज डाइवर्सिटी लॉस हो रही है और बहुत सारे इसमें से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। डज इट रियली मैटर टू अस इफ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा कि एक आध स्पीसीज या कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं? तो वो किस तरह से पॉल एरलिक ने समझाया है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के द्वारा, तो वो यहाँ पे समझता है। तो पॉल एरलिक जो था, पॉल एरलिक स्टैनफोर्ड का इकोलॉजिस्ट था जिसने रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। अब रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या बताया था कि एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन को उसने क्या माना था? उस एरोप्लेन को उसने माना था इकोसिस्टम। जब एरोप्लेन को इकोसिस्टम माना था तो उस एरोप्लेन में जो रिवेट्स थे, रिवेट्स मतलब जो बोल्ट होते हैं पेच वगैरह जो होते हैं उसको रिवेट्स बोल देते हैं, तो रिवेट्स को उसने स्पीसीज माना था। और रिवेट्स कहाँ कहाँ के लिए थे उसने? विंग्स के रिवेट्स लिए थे, तो उस विंग्स के रिवेट्स को उसने की स्टोन स्पीसीज माना था। मतलब एयरप्लेन जो था उसको उसने इकोसिस्टम माना। फिर उसके बाद रिवेट जो थी उसको उसने स्पीसीज माना। फिर रिवेट्स ऑन विंग, जो विंग पे रिवेट्स थे उसको उसने की स्पीसीज या की स्टोन स्पीसीज माना। अब इससे वो साबित क्या करना चाहता था कि उसका कहना था कि एक एयरप्लेन है, उस एयरप्लेन में पैसेंजर है। अगर वो पैसेंजर सीट में से और उसकी बॉडी से, सीट से, विंडो से, बॉडी से एकाध एकाध रिवेट अपने साथ ले जाने लगे, मतलब कहने का है कि
स्पीसीज, एक आध छोटी मोटी स्पीसीज वहां से एक्सटिंक्ट होने लगे तो वो क्रैश नहीं होगा प्लेन, अब प्लेन क्रैश नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे अगर रिवेट ले जाएंगे तो बॉडी उसकी प्लेन की डैमेज होने लगेगी और क्रैश होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई विंग का ही, मतलब जो पंखा होता है, पंख होता है उसका, उस पंख का ही कोई अगर रिवेट निकाल ले तो वो एक साथ क्रैश हो जाएगा। कहने का मतलब है कुछ छोटी छोटी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो अगर बल्क में एक्सटिंक्ट होती हैं तब उसका इफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन एक आध हो जाती है तो ज़्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं कि अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका दिखाई देगा, वो होती है की स्टोन स्पीसीज। तो ये बताया था इसने, कॉरल एरेलिक ने, इसी को बोलते हैं रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस हो रही है, कितनी लॉस हो रही है, तो वो हमें जरा यहाँ पे ध्यान से देखना है। क्या क्या? वेल, इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडेड थ्रू स्पीशिएशन। तो स्पीशिएशन क्या करता था, इवोल्यूशन के द्वारा नई स्पीसीज डेवलप करता था इन टू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज। देर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस। तो बहुत सारा लॉस हो ही रहा है, सभी को पता है। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि उस सब में ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली। जब डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइनिंग रैपिडली, एंड द एकोजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जो नाम आ रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज का आ रहा है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज का क्यों आ रहा है? द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय द ह्यूमंस सेड टू हैव लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 22,000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। तो 2,000 स्पीसीज जो है नेटिव बर्ड वो एक्सटिंक्ट हो गई है। IUCN जो था, IUCN में रेड डाटा बुक जो था, रेड लिस्ट जो है, 2004 में डॉक्यूमेंट एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज, 784 स्पीसीज, जिसमें कि 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं कि स्पीसीज इसमें देख प्रेजेंट काउंट हो रही हैं लास्ट 500 ईयर में। तो लास्ट 500 ईयर में इतना सब कुछ गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन, रिसेंट एक्सटिंक्शन में हम देखेंगे तो डोडो, डोडो मॉरिशस से गया। तो डोडो कौन है? ये डोडो है। ये जो डोडो है ये इंसानों से डरता नहीं था। अब इंसानों से नहीं डरता था तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। क्यों? जब इसको, ये डरता ही नहीं था तो इसको कोई भी पकड़ के खा जाता था, जैसे पका के इसको। फिर ये कौन है? ये है क्वागा। क्वागा कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ था? अफ्रीका से क्वागा एक्सटिंक्ट हुआ था, ये क्वागा है। फिर कौन है? थाइलासिन, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया से गायब हुआ था, ये थाइलासिन है। स्टीलर सीकाओ रसिया से, ये स्टीलर सीकाओ रसिया से गायब हुई थी, और ये जो है स्टीलर सीकाओ, इसका भी शिकार किया गया था। फिर कौन है? थ्री सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान और कैस्पियन। तो ये जो है, ये बाली टाइगर है, ये जवान टाइगर है और ये कैस्पियन टाइगर है, ये तीनों ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। शो दैट द एक्सटेंशन अक्रॉस द टैक्सा आर नॉट रैंडम। जो एक्सटेंशन है वो रैंडम नहीं है। सम ग्रुप लाइक एम्फीबिया एम्फीबियंस अपीयर टू मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट। इसमें एम्फीबिया ज्यादा वल्नरेबल इस कंडीशन में है। प्रेजेंटली 12%, प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ ऑल मेमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज, 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज वर्ल्ड फेस्ड द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। तो ये जो मेंबर्स हैं ये थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं।
अब इसमें और क्या कारण हो सकता है? तो ये अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, अब ये जो आने वाला है वो 6th एक्सटिंक्शन है। अब 6th एक्सटिंक्शन जो होगा वो पिछले वाले से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से होगा। जो पहले 5 एक्सटिंक्शन हुए हैं, जो छठा एक्सटिंक्शन अब होने वाला है पिछले वाले से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से होगा। इसका कारण ह्यूमन एक्टिविटीज है। इसका कारण क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने से क्या क्या नुकसान है? तो डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, तो प्लांट प्रोडक्शन घट जाएगा। लोअर्ड रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल परटर्बेशन सच एज ड्रॉट, और क्या होगा? इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज द प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए एविल क्वाड्रेट को देखा जाता है। एविल क्वाड्रेट में मतलब हम कह सकते हैं 4 राक्षस, एविल मतलब राक्षस होता है, तो 4 राक्षस इसमें होता है। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ओवर एक्सप्लोइटेशन, तीसरा पॉइंट है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और चौथा पॉइंट है को एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की बात करें, तो हैबिटेट लॉस में क्या है? जैसे कि कोई वो था जंगल था, वहां पे कुछ रास्ते बना दिए। अब रास्ते बना दिए तो वहां पे क्या हुआ? जो कई सारे तो पेड़ कटे होंगे सड़क को बनाने के लिए, तो हैबिटेट लॉस हुआ। अब उनका जो जंगल था वो फ्रेगमेंट में बट गया। अब फ्रेगमेंट में बट गया तो एक तो सड़क और आसपास का एरिया, एक तो बनी हुई सड़क और उसके आसपास का एरिया सारा लॉस हो गया उसका, जंगल का। तो वहां पर जो स्पीसीज रहती थी वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन, द मोस्ट ड्रामेटिक कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ, मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस। जैसे रेन फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। जैसे अमेजोन के जंगल हैं तो पहले 14% तक लैंड एरिया कवर करके रखते थे, जो कि अब 6% से भी कम रह गए, जिसको कि लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता था। तो 14% से घट के 6% से भी कम रह गए। दे आर बींग डिस्ट्रॉयड फास्ट। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, 1000 मोर हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। मतलब जितने समय में चैप्टर फिनिश होगा उस उतने समय में 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा रेन फॉरेस्ट खत्म हो चुके होंगे। तो इतनी तेजी से ये स्पीसीज लॉस चल रहा है, मतलब कि जंगलों को काटा जा रहा है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट इट इज सो ह्यूज दैट इज कॉल्ड लंग ऑफ प्लेनेट। तो अमेजोन के जंगल जो थे उनको लंग्स ऑफ प्लेनेट भी बोला जाता था। हर्बोरिंग प्रोबेबली मिलियन ऑफ स्पीसीज इज बींग कट एंड क्लियर फॉर कल्टिवेशन सोयाबीन। तो सोयाबीन को उगाने के लिए बहुत सारे जंगल काटे जाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि फॉर सोयाबीन फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड फॉर राइजिंग बीफ कैटल। अब बीफ कैटल का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो नॉनवेज मटेरियल है, नॉनवेज मटेरियल जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, कई सारी स्पीसीज आ सकती हैं जिसको खाया जाता है। अब उनको बड़ा करने के लिए, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, तो इन सबको बड़ा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा अनाज चाहिए होता है। जैसे सोयाबीन लगेगा और बहुत सारे पल्सेज लगते हैं, तो इन सबको ग्रो कराना पड़ेगा। तो ग्रो कराने के लिए वहां पे जंगलों को काटा जा रहा है, और जंगलों को काटने के बाद उनकी जगह पे वो फसल उगाई जा रही है जो उन जानवरों को दी जाएगी, और उन जानवरों से मीट प्रोडक्शन किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो नॉन वेज होता है
नॉनवेज से क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसको खाने के लिए जानवरों को मारा जा रहा है। दूसरी बात, और क्या हो रहा है इसमें, तो उसके लिए फॉरेस्ट को भी काटा जा रहा है। फॉरेस्ट लॉस हो रहा है बहुत सारा। अब फॉरेस्ट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगल हटाएंगे और जंगलों की जगह पे खेती की जाएगी, और वो खेती किस लिए की जाएगी? इन जानवरों को ग्रो कराने के लिए, जिससे कि मांस का प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। मतलब अब प्लांट घट जाएंगे, प्लांट के घटने से क्या होगा, बहुत सारे स्पीसीज मरना शुरू हो जाएंगी क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। वेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप, अगर लार्ज हैबिटेट को टुकड़ों में तोड़ देंगे, जो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा तोड़ा भी जाता है, मेमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज, मेमल्स और बर्ड्स को लार्ज टेरिटरीज चाहिए होती है। सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट, कुछ बर्ड्स के पास माइग्रेटरी हैबिटेट होता है, आर बैडली अफेक्टेड, जो माइग्रेटरी हैबिटेट रखते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन, और धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगती है और वो एक समय बाद एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का कारण था। अब ओवर एक्सप्लोइटेशन क्या है? ओवर एक्सप्लोइटेशन में ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड शेल्टर। अब ओवर एक्सप्लोइटेशन में जैसे कि ह्यूमन है, अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो वो जरूरतों के लिए पेड़ पौधों पे निर्भर होता है, या फिर हम कहें नेचर पे निर्भर होता है। अगर वो अपनी जरूरत सिर्फ पूरी करे, अगर ह्यूमन अपनी जरूरत सिर्फ पूरी करे तो बहुत है नेचर के पास, लेकिन जब नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है, कहने का मतलब है जरूरत लालच में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो वो ओवर एक्सप्लॉयट करना शुरू कर देगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन से जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होने लग जाती है। जैसे मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन लास्ट 500 ईयर, जैसे कि स्टीलर सी काओ, पैसेंजर पिजन, ये जो है इनका ओवर एक्सप्लोइटेशन किया गया था। ओवर एक्सप्लोइटेशन मतलब ये समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में भी इनको छोड़ा नहीं गया, इनको भी मार मार के खाया गया था। डोडो को मार मार के खाया गया था तो वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन बाई ह्यूमन। प्रेजेंटली मैनी मेराइन फिशेज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। तो बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत ज्यादा उनको मारा जा रहा है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गई है। एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीसीज। अब आता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब तीसरा कारण है एलियन स्पीसीज इन्वेजन का। अब एलियन स्पीसीज इन्वेजन में क्या है कि मान लो एक कोई एरिया है, वहां पे बहुत सारी स्पीसीज रहती थी हंसी खुशी से। अब वहां पे किसी ऐसी स्पीसीज को लेके आया गया जिसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। अब नेचुरल प्रेडेटर नहीं था तो वहां पे वो जो पहले से स्पीसीज है, नेटिव स्पीसीज है, उनको खाएगी मारेगी, और वो वहां से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगी। तो वो किसकी वजह से हुआ? एलियन स्पीसीज के आने से हुआ। मतलब एलियन स्पीसीज आए और अपना आधिपत्य जमा ले, तो उसको बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली। तो दोनों तरीके से हो सकता है, अनइंटेंशनली आए या फिर डेलिबरेटली लाए। आए तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन क्या होगा फिर? फॉर वट एवर पर्पज, जिस भी पर्पज से लाई गई हो, सम ऑफ देम टर्न्स इन्वेजिव, कुछ उनमें से इन्वेजिव हो जाते हैं, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। इंडिजिनस स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो वहां पे पहले से रहती है, तो वो जब इन्वेजिव हो जाएगी तो वहां से इंडिजिनस स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगती हैं। जैसे नील पर्स लेके आए थे लेक विक्टोरिया में, तो नील पर्स एक शिकारी मछली होती है, इसको लेक विक्टोरिया में जब लेके आए थे ईस्ट अफ्रीका में, तो वहां पे जो ये मछली रहती थी जो नील पर्च लेके आए थे, तो नील पर्च जो है
ये सिक्लिड फिश को खा जाती थी, नील पर्च सिक्लिड फिश को खा जाती थी। तो सिक्लिड फिश की 200 स्पीशीज उस लेक में से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, 200 स्पीशीज उस लेक में से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोज्ड टू आवर नेटिव स्पीशीज बाय इन्वेजिव वीड स्पीसीज। तो कई सारी इन्वेजिव वीड स्पीसीज भी होती हैं। इन्वेजिव वीड स्पीसीज में क्या क्या होगा? ऐसी स्पीसीज जो प्लांट की थी और वो इन्वेजन कॉज कर रही है, तो इन्वेजिव वीड स्पीसीज उसको बोलते हैं। जैसे नील पर्च हमने देखा, इसके बाद आएगा कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास, इसमें पार्थेनियम बोला गया है, पार्थेनियम को कैरेट ग्रास बोलते हैं। अभी जो पार्थेनियम है, ये पार्थेनियम एक वीड है जो कि इंडिया में लाया गया था, इंडिया में आ गया था कंटामिनेंट की तरह से। मतलब कि जो वीट आता था बाहर से, उस वीट के साथ ही पार्थेनियम कैरेट ग्रास आ गया था, जो कि एक्सट्रीमेटिंग मैनी हर्ब्स एंड श्रब्स, जो कि बहुत सारी हर्ब्स और श्रब्स को एक्सट्रीमेट कर रहा, मतलब कि नुकसान पहुंचा रहा है सिंपल शब्दों में कहें तो। और ये जो पार्थेनियम है कैरेट ग्रास है, पोलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज करता है, पोलन एलर्जी इसको बोलते हैं। फिर एक लेंटाना था, लेंटाना और वाटर हाइसेंथ, लेंटाना और वाटर हाइसेंथ। तो अगर लेंटाना और वाटर हाइसेंथ की कहानी देखें, तो लेंटाना जो है स्ट्रगलिंग सर्व है। लेंटाना क्या है? स्ट्रगलिंग सर्व है जो कि एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था, और अब वो एक बहुत सीरियस वीड है। अब वो एक बहुत सीरियस वीड है जो कि जंगलों में, फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीशीज को रिप्लेस कर रहा है। वाटर हाइसेंथ को तो हम जानते हैं, जो वाटर हाइसेंथ है वो वाटर हाइसेंथ पानी में रहता है, और जो स्पीशीज है मतलब कि जो स्पीशीज पानी में रहने वाली है उसको मार देता है। कैसे मार देता है? तो वहां पे जो ऑक्सीजन है, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो ले लेता है। कहने का मतलब है कि मान लो एक लेक है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे अगर वाटर हाइसेंथ आ जाता है, तो वाटर हाइसेंथ क्या करेगा? ये डिजोल्ड ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। अब डिजोल्ड ऑक्सीजन जब ये यूज कर लेगा, तो यहाँ पे डिजोल्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और अदर एक्वेटिक मेंबर्स हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो सब मर जाएंगे। तो ये वाटर हाइसेंथ ने किया, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इसीलिए वाटर हाइसेंथ या एकोर्निया को टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। फिर क्या है? इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश का इलीगल इंट्रोडक्शन किया गया है, तो उससे क्या होगा? जो अफ्रीकन कैटफिश है, एक कौन सी है? क्लेरिस गैरिपियंस, गैरिपिनस। क्लेरिस गैरिपिनस जो है अफ्रीकन कैटफिश, वो इंडिजिनस कैटफिश को मार देती है, इंडिजिनस कैटफिश को मार देती है। तो अब आता है नेक्स्ट, को एक्सटिंक्शन। जैसे को इवोल्यूशन होता है, उसी तरह से को एक्सटिंक्शन भी होता है। को इवोल्यूशन में क्या है? जैसे कि होस्ट है, अब होस्ट के ऊपर जो पैरासाइट है वो ग्रो करता है। अगर होस्ट इवॉल्व हो गया है, तो पैरासाइट को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, वरना पैरासाइट मर जाएगा। तो ये कहलाता है को इवोल्यूशन। अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया है, तो पैरासाइट अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये होता है को एक्सटिंक्शन। तो को एक्सटिंक्शन को इवोल्यूशन हमें समझ आई क्या? अगर हम इसके इसमें देखें, तो इसमें क्या क्या लिखा है? व्हेन होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स ऑल्सो मीट द सेम फेट। अनदर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। तो को एक्सटिंक्शन भी देखा, तो ये चार कौन थे? ये चार बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए एविल क्वाड्रेट थे। अब आता है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में बायोडायवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी है? तो बायोडायवर्सिटी किस लिए कंजर्व करनी है? तो यहाँ पे हम समझेंगे कि देयर आर मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के लिए।
दे कैन ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज, कौन कौन सी? नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल। अब नैरोली यूटिलिटेरियन क्या है कि नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग द बायोडायवर्सिटी। अब क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीजें, हमें जंगलों से क्या मिलती है या फिर हमको नेचर से क्या क्या मिलता है। तो नेचर से क्या मिलता है, जैसे कि फूड मिल जाएगा, तो सेरेल्स हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, फायरवुड मिल जाएगी, फाइबर मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल जाएगा, टेनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई रेजिन, परफ्यूम वगैरह सब मिलता है। मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है। मोर देन 25% ऑफ ड्रग करेंटली सोल्ड इन मार्केट वर्ल्ड वाइड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट, एंड 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट्स इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स। नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। मतलब कोई नहीं जानता कि कितने सारे प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिस्कवर भी नहीं हुए जो कि एक मेडिसिनल पर्पज में यूज किए जा सकते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ऑलमोस्ट सभी प्लांट मेडिसिनल प्लांट की तरह से यूज किए जा सकते हैं, बाकी बशर्ते तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो डिस्कवरी ही नहीं हुई तो बहुतों के बारे में तो पता ही नहीं है। यूजफुल प्लांट्स देयर, ठीक है, विद इंक्रीजिंग इन द रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्सप्लोरिंग द मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नेशन एंडोड विद ईच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट्स। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या है, तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में इकोसिस्टम की वो सर्विसेज जो कि बहुत बड़े लेवल पर होती हैं, जैसे अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बहुत सारा। कितना फोटोसिंथेसिस करते हैं कि 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑन अर्थ एटमोसफेयर। तो 20% जो अर्थ एटमोस जो जितनी भी अर्थ एटमोसफेयर पे ऑक्सीजन है उसका 20% अमेजोन के रेन फॉरेस्ट से आता है। तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत है। जैसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अप्रोक्स 5,000 रुपये का आता है, और उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन होती है और वो कुछ ही समय के लिए चल पाता है। जबकि जो नेचर के द्वारा ऑक्सीजन मिल रही है वो तो अनलिमिटेड है। अगर उसकी वैल्यू लगाएंगे तो कभी भी नेचर से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसकी वैल्यू अगर लगाने बैठे तो हम उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा बिल बैठ जाएगा। तो ये जो मिल रहा है हमें, ये जो नेचर से मिल रहा है, ये बहुत सारा है। अब पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव फ्रूट और सीड। पॉलिनेशन के बिना प्लांट से फ्रूट भी नहीं मिलेगा, सीड भी नहीं मिलेगा। अब पॉलिनेटर्स अगर हटा दिए जाएं तो क्या होगा? जैसे अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो दो तरह से पॉलिनेशन होता है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। पॉलिनेशन कितने तरह से होता है? दो तरह से, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक। एबायोटिक में वाटर आ जाएगा और विंड आ जाएगी। बायोटिक में मतलब कि अगर एबायोटिक और बायोटिक में कंपेयर करें तो बायोटिक से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। और बायोटिक में भी अगर हम बोलें तो एंटोमोफिली, एंटोमोफिली मतलब जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। तो इंसेक्ट में स्पेशली कौन आता है, बीज आ जाती हैं, हनी बीज आ जाती है। अगर हनी बी को कुछ समय के लिए ऐसा इमेजिन किया जाए कि अगर हनी बी कुछ समय के लिए एक्सटिंक्ट हो जाए तो पूरी अर्थ से जो लाइफ है वो खत्म होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि प्लांट का पॉलिनेशन रुक जाएगा, प्लांट पॉलिनेशन के कारण प्लांट रिप्रोडक्शन रुक जाएगा, और जो गैसेस का बैलेंस है, जो नेचर से इतना सारा सर्विसेज मिल रही हैं, वो सब रुक जाएंगी, जिस कारण से लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए जो भी ऑर्गेनिज्म है नेचर में वो सब उतने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी भी फूड चेन को देखें तो ह्यूमन का कहीं नाम भी नहीं आता। मतलब अगर ह्यूमन हट जाए तो अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये ऑर्गेनिज्म हट गए तो अर्थ पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। अब एथिकल क्या क्या चीज़ है?
अब जैसे यहाँ पे और क्या दे रखा है, पॉलिनेटर्स आ गए, ड्राइव ड्राइव फ्रॉम नेचर, द एस्थेटिक प्लेजर्स ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, वॉकिंग अप टू बुलबुल सॉन्ग मॉर्निंग। मतलब ये सभी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, ये सब नेचर में मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी। एथिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स में कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रोब स्पीसीज, वी शेयर दिस प्लेनेट होम, वी शेयर दिस प्लेनेट फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली, वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रेंसिक वैल्यू। सभी स्पीसीज की एक इंट्रेंसिक वैल्यू है, इवन इफ इट मे और मे नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, वी हैव मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बींग एंड पास ऑन अवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। अब बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में किस किस तरह से इसको कंजर्व कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं, एक होता है एक्सीडू कंजर्वेशन, एक होता है इनसीडू कंजर्वेशन। तो इनसीडू कंजर्वेशन क्या है, इनसीडू कंजर्वेशन होता है कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उसको वहीं पे कंजर्व कर दिया जाए, तो वो इनसीडू कंजर्वेशन होता है। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उसको वहीं पे कंजर्व कर दिया जाएगा तो वो इनसीडू कंजर्वेशन कहलाएगा। और एक्सीडू कंजर्वेशन क्या होगा कि उसको उस नेचुरल हैबिटेट से लाके एक आर्टिफिशियल हैबिटेट क्रिएट करके वहां पे उसको कंजर्व किया जाएगा। तो इनसीडू कंजर्वेशन के अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन दिखेगा, जैसे हम इसमें इनसीडू कंजर्वेशन में सेंचुरीज ला सकते हैं, सेंचुरीज के साथ और कौन आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज ला सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखने के लिए इंस्टीट्यूट में हमें याद रखना है एच बी न्यूज। अभी एच बी न्यूज में क्या क्या हो जाएगा, एच से हुआ हॉटस्पॉट, बी से हुआ बायोस्फीयर रिजर्व, एन से हुआ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स, डब्ल्यू से हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और एस से हुआ स्कर्ड ग्रुप्स। ये हो गए इनसीडू कंजर्वेशन। अगर हम एक्सीडू कंजर्वेशन देखेंगे तो एक्सीडू कंजर्वेशन में कौन आ जाएगा, जूलॉजिकल सफारी, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सभी एक्सीडू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो एक्सीडू कंजर्वेशन क्या है, इनसीडू कंजर्वेशन क्या है, ये हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं आगे कि इनसीडू कंजर्वेशन में हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा। On global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identify for maximum production biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot क्या होता है? एक वो क्षेत्र, एक वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है और हाई डिग्री स्पीसीज रिचनेस है, मतलब कि एक एरिया मान सकते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और वो स्पीसीज और कहीं नहीं मिलती है, जिसको हम एंडेमिज्म बोलते हैं। जैसे कि हम कंगारू को देखते हैं, अगर हम कंगारू को देखते हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और उसके अलावा कहीं नहीं मिलते, तो वो भी एक एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है।
तो वो हॉटस्पॉट हो गए। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव एडेड, तो कितने हो गए? 25 और 9 34, 34। तो मतलब 34 हॉटस्पॉट अब है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वो कितने हैं वो भी देखते हैं आगे। तो हॉटस्पॉट देखने को मिल गए 34। दीज हॉटस्पॉट आर ऑल्सो रिलीजियस एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। थ्री ऑफ दीज हॉटस्पॉट, तीन कौन कौन से? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालया कवर अवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो ये तीन दे रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? ऑल दो ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर्स लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड लैंड एरिया, मतलब अगर सारे हॉटस्पॉट को मिला भी दिया जाए तो पूरे लैंड एरिया का 2% से कम हिस्सा ही ये कवर करते हैं। लेकिन स्पीसीज के बारे नंबर में अगर हम देखें तो स्पीसीज में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली हर बर एक्सट्रीमली हाई, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दिस हॉटस्पॉट कोड रिड्यूस द ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। मतलब अगर इन हॉटस्पॉट को ही बचा लिया जाए तो 30% मास एक्सटिंक्शन को रोका जा सकता है। अगर हम इंडिया में देखें तो इकोलॉजिकली अनइक्वल बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन प्रोटेक्टेड बाय बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में ही 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क हैं और 445 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इन हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल एम्फेसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। सिंपल सी बात है, रिलीजियस हो ट्रेडिशनल कल्चर जो वैल्यूज हैं वहाँ पे एम्फेसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, वहाँ पे नेचर को प्रोटेक्ट किया जाता है। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वेयर सेट एसेड एंड ऑल ट्रीज वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टू प्रोटेक्शन। सच स्केयर्ड ग्रोव्स आर फाउंड इन काशी, जैंतिया हिल्स, मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चांडा, बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। इन मेघालय स्केयर्ड ग्रोव्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। मतलब स्केयर्ड ग्रोव्स एक ऐसी जगह होती है जो कि जो कल्चरल है, कल्चरल वैल्यूज उसकी रखते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ पे वो जानवर रह सकते हैं, वो पेड़ पौधे रहते हैं जिसको बचाया जाता है। अब एक्सीडू कंजर्वेशन क्या है? एक्सीडू कंजर्वेशन होता है कि जो थ्रेटेंड एनिमल्स है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है जहाँ पे स्पेशल केयर, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क हो सकता है, बोटेनिकल गार्डन हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सफारी हो सकती है। अब वो जो है वो सभी जो वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी निगरानी में उनको रखा जाता है और प्रिजर्व किया जाता है, जिसका हम एक्सीडू कंजर्वेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमें याद क्या रखना है? नाउ गेमिट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन। जो गेमिट्स हैं थ्रेटेंड स्पीसीज के वो भी प्रिजर्व किए जा रहे हैं वायबल और फर्टाइल कंडीशन में, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। जो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है जिससे कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डाउन कर दिया जाता है। एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो
एग्स को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाएगा एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग द टिश्यू कल्चर मेथड। और प्लांट्स को प्रोपेगेट किया जाता है टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्लांट्स कैन केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन सीड बैंक। सीड्स को सीड बैंक में रखा जा सकता है, रखा जाता है। बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बायोडाइवर्सिटी के पास कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयर फॉर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन। सभी देशों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि द अर्थ समिट है, अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो इन 1992। ये याद रखना है, यहाँ पे PYQ भी है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड ऑन रियो डे जेनेरियो इन 1992 कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स एंड फॉलो अप द वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड 2002 इन जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका। 190 कंट्रीज प्लेस्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव 2010 अचीव बाई 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल रीजनल एंड लोकल लेवल। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।